की करता करे न कर सके हो की करता करे न कर सके और ये गुरु किए सब हो सात दीप नो खंड में जावा गुरु से बड़ा बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मेरा आइए जरा भाव के साथ अपने अपने सतगुरु भगवान के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय हो और कहना है क्या सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में आपके चरणों में आपके चरणों सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में और आइए जरा दोनों हाथ उठा करके सुंदर सिंह धुन के साथ बोलिए गुरु महाराज की जय सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव
हृदय में गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। और ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा करके जो अपने अपने गुरु भगवान को मानते हैं, ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा करके भाव के साथ, और यही कहना है क्या, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ हे गुरुदेव श्री बड़े भाई सज्जन सिंह डागर जी जो जिंदौली से चल करके आए हैं, हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, एसएचओ साहब जो 100 रुपए देकर के मेरा मान सम्मान करते हैं, मैं बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जन्म के दाता मात पिता है, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, दुखिया मन और रोगी तन को, ओ दुखिया मन और रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत ही परम आदरणीय जो बहुत ही ज्यादा मान सम्मान और प्यार और आशीर्वाद और बहुत ज्यादा लाड़ चाव करते हैं, हमारे बड़े भाई जो मुझे खास अपना छोटा भाई जैसा मान सम्मान और प्यार और आशीर्वाद देते हैं, विक्रम भाई आप भी आइए एक मिनट, विक्रम जी जो आज आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी टीम यहाँ पहुंची है, हमारे बड़े भ्राता श्री जो मुझे अपना रियली खास भाई मानते हैं और जो बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्यार और आशीर्वाद देते हैं, फरीदाबाद में मेरा जागरण होता था फतेहपुर चंदीला में, तो उनकी बदौलत उन्होंने वहां पर जागरण देखा तो मुझे यहाँ बुलवाया गया, 4 बार मुझे लगातार यहाँ बुलवाया गया है, बीच में एक बार कोरोना हो गया था उसकी वजह से पूरी दुनिया में महामारी फैल रही थी तो वो प्रोग्राम नहीं करवाया गया, तो मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए, इनका इतनी अच्छी व्यवस्था नव युवक दुर्गा मंडल
पूरी समिति यहाँ पूरी कमेटी बैठी है, मैं आप सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो इतना मान सम्मान और प्यार और आशीर्वाद आप देते हैं। अगर वाक्य में आपको आनंद आता है और ये कलाकार जी तोड़ मेहनत करते हैं और आपका दिल लुभाने की कोशिश करते हैं, तो मैं चाहूंगा आप सबकी तरफ से भी जोरदार ताली आशीर्वाद मिल जाए, जोरदार ताली बजा करके। और धर्मेंद्र भाई जी जो बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा संघर्ष इनकी पूरी टीम करती है, जो हमेशा बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्यार देते हैं, जो 100 रुपए देकर के मान सम्मान करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए दोनों जीजा और साले के साहब के लिए। और आइए, क्या बता दिया भला, निर्धन को धनवान बना दे, निर्धन को धनवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, कमल सिंह और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महादानी हे बलवानी, हे महादानी हे बलवानी, रहूं आपके चरणों में, चरणों में, चरणों में। और ऐसे नहीं, ये लास्ट पंक्ति है, जरा दोनों हाथ उठा करके और यही कहना है क्या, और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हाथ उठा करके।